बेसिक शिक्षा विभाग गोरखपुर द्वारा आयोजित शैक्षिक गुणवत्ता सेमिनार एवं एडू लीडर सम्मान समारोह का आयोजन योगी राज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह तारा मंडल में किया गया। कार्यक्रम के प्रथम सत्र में शैक्षिक गुणवत्ता पर सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि नगर विधायक डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल, बीएसए रामेंद्र कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी और 75 जनपदों से आए हुए शिक्षक मौजूद रहे। अपने संबोधन में नगर विधायक डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि शिक्षकों को अपने स्कूल और क्षेत्र में ऐसी छाप छोड़नी चाहिए कि लोग हमेशा याद करें। उन्होंने कहा कि कोई भी पद अस्थाई नहीं होता, लेकिन जब तक है उसे पूरी ईमानदारी के साथ निभाना चाहिए, जिससे लोग पद नहीं रहने पर भी याद करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बीएसए रामेंद्र कुमार सिंह ने कहा, आप ईमानदार कैसे हैं, आप मेहनती कैसे हैं, घर जाता हूं। जब ये कह रहे थे तो आप में कितने ऐसे लोग थे, कह रहे होंगे देखा झूठ बोला था, केहू विधायक की पहचान नहीं है कि जावा था कि नहीं जावा था। आपके हाथ दिलस मैं गलत नहीं कह रहा हूं, आपके सामने ये चुनौती होनी चाहिए कि यह दिनेश जो यहाँ आकर के कह रहा है कि मैं 100% घरों में जाता हूँ और नाम से जानता हूँ, आपका प्रयास यह होना चाहिए कि अगला मंच जब आपको मिले तो आप भी चुनौती के साथ कहें कि मैं जानता हूँ। ये आपकी ड्यूटी का हिस्सा नहीं, आपकी नौकरी और सैलरी का हिस्सा नहीं है, क्यों ऐसा है क्या? आपके वेतन नहीं कटने वाला है अगर आप किसी के घर नहीं जाएंगे। लेकिन दोस्तों, मैं जब विधायक नहीं रहूंगा तब मेरा मूल्यांकन होगा। कोई अस्थायी विधायक नहीं होता, कोई अस्थायी मंत्री भी नहीं होता और कोई अस्थायी मुख्यमंत्री भी नहीं होता। मानव जात के इतने बड़े इतिहास में मैं विधायक नहीं रहूंगा तब मेरे क्षेत्र के लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, या मेरी सफलता का द्योतक है। क्यों कह रहा हूं, जब आप शिक्षक नहीं रहेंगे, अगर आपके गांव में आपकी खोज नहीं हुई, अगर आपके जाने के बाद आपके गांव ने आपकी कमी का एहसास नहीं किया। ड्रॉप आउट एक भौतिक उपलब्धि है, मिड डे मील से बच्चों का स्वास्थ्य रख लेना एक भौतिक उपलब्धि है। आपकी उपलब्धि ये जो दिखती है ये नहीं, इसके पीछे एक उपलब्धि है जो नहीं दिखती, जो उस बच्चे के माँ बाप एहसास करते हैं कि फलनवा आदमी जब हमारे स्कूल में टीचर रहे तो हमारे लड़का में ई परिवर्तन हम देखने, लड़का हमारे कर गंदता कम हो गई, लड़का हमारे पढ़े लिखे में रुचि। आपका जो बच्चा जो आपके विद्यालय में पढ़ता है, मैं उसका मूल्यांकन इससे नहीं करूंगा कि आप कितना इन्वॉल्वमेंट करा ले गए, पढ़िए बुरा लगेगा, और अगर बुरा लगे तो ये परिवर्तन का पहला सीढ़ी होगा, अगर बुरा न लगे इसका सामना करें। जो प्रथम की रिपोर्ट है, असर जिसको कहते हैं, वो रिपोर्ट बहुत अच्छी नहीं है, 8 के ऊपर तो नहीं। उनकी रिपोर्टों को आप लोगों को अपने वेबसाइट पर डालना चाहिए। कक्षा 2 के हिसाब से पढ़ना लिखना नहीं जानते, यह चुनौती है हमारे सामने। मैं समझता हूं कि यह जो कार्यक्रम सर्वेश जी ने आयोजित किया है, जिसे आप समझ सकते हैं, बेसिक शिक्षा विभाग गोरखपुर द्वारा आज हमारे प्रदेश के समस्त जनपदों से आए हुए एजुकेटर्स का सम्मान यहाँ पे प्रकट किया गया है, जिसमें हमारे माननीय मंत्री जी भी गरिमा में उनकी उपस्थित रही है, और ये बस्ती के एक शिक्षक सर्वेश मिश्रा जो राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता हैं, इसके कोऑर्डिनेटर थे। तो हमारे विभिन्न जनपदों में जो टीचर खूब अच्छा कार्य करते हैं, और इस कोरोना काल में जिन्होंने टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपने विद्यार्थियों को अपने विद्यालय से जोड़ा रखा, उन्हीं के लिए कार्यक्रम था और उनको एक सम्मान दिया गया है। और हम लोगों का ये विश्वास है कि पूरे प्रदेश में बेसिक शिक्षा में जो हमारे शिक्षक बदलाव कर रहे हैं उसमें हम लोग सभी सफल होंगे।